तो आरोप लगने लगे कि आदित्य ठाकरे का आरोप है, हाथ है इस मर्डर में। सीबीआई ने इस केस को, सुशांत सिंह राजपूत केस को और दिशा सैलिन मर्डर केस को जिस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो नहीं की है, क्योंकि इसके अंदर देश के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो सामने आ जाएंगे। इसके लिए इस केस को अब तक दबा के रखा गया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत केस में, दिशा सैलिन मर्डर केस में उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट है। इन दो पुख्ता सबूतों के सामने क्या सीबीआई इन आरोपियों को गिरफ्तार करके सजा नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे को आप बाला साहब ठाकरे का विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं या नहीं? दो चीजें हैं, वो बायोलॉजिकली तो उनके बेटे है ही है, उसका तो हम, मेरा वो विषय ही नहीं है जी। तो मैं उस प्रकार से, मान लीजिए उनके परिवार में कुछ भी, आप जब वो बीमार थे तो मैंने तुरंत फोन किया था उनकी, रेगुलरली मैं वहीनी को फोन करके पूछता था कि भी क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फोन किया, बोले भाई आपका, भाई साहब क्या सुझाव है, मैंने कहा भाई देखिए पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले कर दीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं वो उनका मान सम्मान करूंगा ही करूंगा भाई, वो मेरे दुश्मन नहीं है, और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उनकी मदद करूंगा, मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए, उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूँ, और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उनकी मदद करूंगा। और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियां दें लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है। और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियां दें लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है। क्या आपका इशारा आदित्य ठाकरे की ओर है, क्योंकि खुद आदित्य ठाकरे ने भी अपनी ओर से एक बयान जारी करके कहा था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है? मैं तो कभी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है, तुम्ही लोग ले रहे हैं। मैंने सुशांत के मैटर में आज तक एक भी नाम नहीं लिया। मैंने क्यों नहीं लिया है, उसके पीछे दो रीजन है। एक तो मेरी पॉलिसी है, जैसा आपको पता होगा, कई बार जब तक मैं मेरे आंख से ना देख लू, मैं वेरीफाई ना करूं, मैं बोलू ही नहीं। और दूसरी चीज, कभी कभी मुझे पता भी है तब भी मैं नहीं बोलूंगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में आरोपी को बचाने का प्रयास किया,